medicine is not always found in bottles, tablets or vaccines. Let us understand 20 world's best medicines. Detoxification is a medicine. Quitting junk food is a medicine. Exercise is a medicine. Fasting is a medicine. Nature is a medicine. Laughter is a medicine. Vegetables and fruits are medicines. Sleep is a medicine. Sunlight is a medicine. Gratitude and love are medicines. Friends are medicines. Meditation is a medicine. Being fearless is a medicine. Positive attitude is a medicine. Unconditional love towards all living beings are medicine. Listening is a medicine. Speaking up and sharing are medicine. Accepting is a medicine. And staying in the present moment is the best medicine. क्या मैंने कोई medicine miss की? अगर आपको लगता है आपके हिसाब से भी कोई ऐसी मेडिसिन है जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, प्लीज डू राइट। लेकिन मैं इन सारी बातों का बेस किस वजह से कह रही हूँ उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। नेचर कैसे मेडिसिन हो सकती है, मैं इस बात के लिए एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ। एक धोबी जो कि एस्थमेटिक पेशेंट है और उसे बहुत रिपीटेडली एस्थमेटिक अटैक्स आ रहे थे, वो उसने अपनी जगह जहाँ वो प्रेस कर रहा था उस अड्डे को बदला, एक पेड़ के नीचे कर लिया। और उसने रियलाइज किया कि कुछ महीने बाद उसे ये जो अटैक्स हैं वो आने कम हो गए, और आफ्टर वन ईयर ही रियलाइज कि उसे वो अटैक्स बंद हो गए। जब उसने टेस्ट करवाया तो पाया कि उसका जो एस्थमा है वो काफी हद तक क्योर हो चुका है। नाउ ही सरप्राइज कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो कोई मेडिसिन भी नहीं ली। लेकिन पाया गया कि वो जिस पेड़ के नीचे अपना अड्डा आजकल लगा रहा है वो कौन सा पेड़ है, नीम का पेड़। देखिए, पेड़ के नीचे खड़े रहने से अगर एक इंसान उसके ऑरा में आने से, उसकी हवा से अपनी बीमारी से बाहर निकल सकता है, तो ऑफ कोर्स मेडिसिन जरूरी नहीं कि हमने दवाइयां ही लेकर ठीक होना है। कहा जाता है हर मर्ज की दवा है। अब ये दवा का मतलब दवाई नहीं है, वो हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, नेचर, लाफ्टर, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कुड बी एनीथिंग। आपके लिए वो क्या है, डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि वो भी अपनी अपनी दवाइयां ढूंढ लें। परमात्मा आप सबको स्वस्थ रखे।